16 जुलाई 1945 मानव सभ्यता को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार जो इंसान के हाथ में लग चुका था, जे रोबोट ओपनहाइमर, जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जानी जाती है। जब ये बॉम्ब को आसमान से गिराया जाता है, पहले एक आरजे एंटीना इसका सिग्नल को कंफर्म करती है और एल्टीमीटर से इसका ऊंचाई पता लगते ही 32 ब्रिजोयर डिटोनेटर एक साथ इलेक्ट्रिक वेव छोड़ते हैं और इसी वजह से एक्सप्लोजिव लेयर में जोरदार धमाका होती है। धमाका के 2 सेकंड के बाद प्लूटोनियम लेयर में एक मीडियम डेंसिटी वाला अल्मोनियम पुसर, जो कि ये शॉक वेव्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेती है और ये शॉक वेव्स एक प्लास्टिक सेल से होकर गुजरती है और इसके अंदर सारे कंपोनेंट को कंप्रेस कर लेती है और ये कंप्रेस होते ही एलिमेंट लेयर में चली जाती है। इसमें 2 एलिमेंट पोलोनियम और बेरिलियम और ये एक साथ कम्युनिकेट करके तुरंत फट जाते हैं। इसके लगभग 10 मिलीसेकंड के बाद एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्लूटोनियम एक एटम के साथ टकराते हैं, 2 में विभाजित हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से लाखों करोड़ों हो जाते हैं और हद से ज्यादा प्रेशर रिलीज होने के वजह से ये तुरंत फट जाती है।